तो दिल्ली में यमुना जलस्तर में आंशिक घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे यमुना की जल सपाटी घटी ने 208.46 मीटर पहुंची चुकी है। घटता जलस्तर वच्चे पण परिस्थिति यथावत छे। आउटर रिंग रोड सहित विस्तार हजू पण पाणी में गरकाव छे। तो स्थिति ने पहुंची वळवा माटे एनडीआरएफ की सोल टीम तैनात करवामां आवी छे। पूरना कारणे दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा पण हाल रद्द कराई छे। तो आईटीओ थी लाल किल्ला तरफ जतो जे मार्ग छे ते पण संपूर्ण बंद करी देवामां आव्यो छे। तो भारे वरसाद बाद जे रीते जलस्तर यमुना नदी नुं वधतुं हतुं तारे हाल आंशिक घटाड़ो यमुनाना जलस्तर में जोवा मळी रह्यो छे। परंतु स्थिति ठेर नी ठेर पूरनी स्थिति छे ते दिल्ली में जोवा मळी रही छे। यहाँ का उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है उससे इम्बैकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिटी के अंदर पानी ना जाए, इसी के सारे प्रयास हो रहे हैं। अभी मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे होगा वैसे, क्योंकि मेरे को लग रहा था ज्यादा नहीं होगा, 1-5 या 10 सेंटीमीटर ही होगा, मेरे को लगा नहीं था। तो इतना ज्यादा भरा है, उधर उधर भी एक पार्क है, अभी शायद DDC का है, उधर भी भरा हुआ है पानी, उधर भी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेवल हो गया ऊपर। पानी भरा हुआ है, सोचा नहीं था भर जाएगा, सोचा नहीं था इतना भर गया। फिर इनका फोन आया सुबह कि जल्दी आओ देखने, मेरे पापा ने जगाया चलो। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा पानी, मैं करीब रात में 75 ईयर ओल्ड हूँ, 50 साल से मैं राजघाट पे रहता हूँ, मैंने नहीं देखा था पानी कभी भी जिंदगी में। एक बार 78 में जमुना बाढ़ आई थी और खतरनाक बाढ़ थी, उस वक्त मॉडर्न टाउन के एक मंजिल पूरी डूब गई थी, लोहा के बिस्तर चारपाई सब तैरते जा रहे थे। उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा और जब भी ये यहाँ इधर पानी नहीं आया, चलो वहीं तक रहा, नहीं था एक बूंद नहीं थी। मैं खुद सुबह घूमने गया हूँ, अंदर तक चक्कर लगा के आया हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करी बैठ करके, मैंने जहाँ करता था थोड़ी तरन सिंह समाधि के बाद मैं बैठ के वो करता हूँ एक्सरसाइज, लोमी लोम करता हूँ, परंतु कल नहीं था एक बूंद पानी भी। यहाँ सुबह अब सवेरे में 6-7 बजे वापस गया हूँ यहाँ से, मैं एक बूंद पानी नहीं था इसमें, ये यहाँ निकले एक हफ्ते तक भी मतलब ही नहीं है साहब। भाई यहाँ तो चलो निकल जाएगा, वो तो अंदर भरा हुआ है। हाँ पार्क है पूरा, चौधरी चरण सिंह का ये वो मतलब देवीलाल का, और ये जो मेन वो सड़क है वहाँ निकलेगा पानी, अभी बहुत टाइम लगेगा निकलने में। राजघाट पे आप कैसे सिचुएशन देख पा रहे हैं इस वक्त? सर हम यहाँ पर आए हैं, जैसे हमको कल हमने न्यूज देखी थी यहाँ पर बाढ़ आ गई यमुना जी की, तो हम यहाँ देखने आए बाढ़ कितनी कहाँ पर कितनी आई है। पानी तो पहले नहीं देखा, बल्कि हम आते जाते रहते घूमने के लिए, इतना पानी तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा लाइफ में। दिल्ली बहुत डूबी हुई, मानो तो दिल्ली का 30% से डूब चुका है। कश्मीरी गेट, सिविल लाइन्स जैसे जगहों पर जब पानी का स्तर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है सड़कों पे, तो आप देखिए आप लाल किले की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस का पहरा अब सख्त है, क्योंकि अगर यहाँ पर गाड़ियां जाती हैं तो आने वाले समय में दिक्कतें हो जाएंगी। और इसको देखते हुए अब यहाँ पर साफ तौर से देखिए बैरिकेटिंग लगाकर उन लोगों को रोका जा रहा है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ पर भी जाम की स्थिति कुछ देर बाद देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए जो बाइक वाले हों या फिर गाड़ी वाले हों, किसी भी चीज से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर रोका गया है और साफ तौर से मना किया गया है कि यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है और इन सब इलाकों में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गाड़ियां डूब चुकी हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर अब ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यानी कि अब आप अगर नोएडा से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं और लाल किला, कश्मीरी गेट, निगम बोध घाट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ देखिए ये यमुना बिल्कुल बगल में है, हम बिल्कुल यमुना के बगल में खड़े हैं। पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ आज, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है कि लोगों को निजात मिल सके। देखिए ये रास्ता अगर देखा जाए तो राजघाट, ISBT, कश्मीरी गेट, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, इन सब जगहों पर जाता है, लेकिन जो रास्ता पूरी तरह से बाधित किया गया, बंद किया गया,
वो रास्ता कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है, लाल किले की तरफ जा रहा है, और इसे पूरी तरह से अभी रोक दिया गया है। जब तक वहां पर पानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा कहा जा रहा है कि जनजीवन सामान्य नहीं हो सकता। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।